बहुत मज़ा आ रहा है, रोज़ नई खबरें सुनने को आती है, कभी पेट्रोल बढ़ रहा है कभी प्याज बढ़ रहा है। आज मेरे ख्याल से पिछले 4 दिन से पेट्रोल और डीजल के दाम 4 से 8 रुपए के करीब बढ़ चुके हैं, और मोदी जी वर्ल्ड भ्रमण पे जा रहे हैं, पैसा ला रहे हैं नहीं ला रहे किसी को पता नहीं है, बट वी फेसिंग अ ट्रबल। युवाओं के लिए उन्होंने कोई रोजगार का व्यवस्था नहीं करी है, हम यही कहना चाहते हैं कि युवाओं के लिए कुछ करें। इनके कार्यकाल के लिए मैं इनकी जो कार्य प्रणाली है उनकी दक्षता उस हिसाब से इनको हम 10 में से 7 नंबर दे सकते हैं, क्योंकि इनके जो डायरेक्टिव्स हैं आदेश हैं वो बहुत ही लाजवाब हैं, लेकिन उनका जो पालन है वो अच्छी तरह से नहीं हो पा रहा, उसको पालन करना सुनिश्चित करें। जिनके अंतर्गत जितने भी मिनिस्टर्स हैं या MLA है, जो भी सरकारी स्टाफ हैं, उनको मोदी जी की तरह तत्परता दिखानी चाहिए, तभी देश का विकास संभव है। ना ही उन्होंने चुनावी वादा कोई पूरा किया है, जनता हर तरह से मतलब इनसे, चाहे वो किसान वर्ग है, चाहे वो इम्प्लाइज वर्ग है, चाहे वो मजदूर का है, चाहे वो अपना व्यापारी वर्ग है, हर वर्ग जो है इनसे दुखी है। और आज का जो वोटर है, आज का जो मतलब भारतवासी के वर्ष के जो लोग हैं, वो देख रहे हैं कि कब चुनाव आवे, और इस BJP की सरकार के खिलाफ हम जो है ना, बहुत उनको रोष है कि हम कब इनके खिलाफ जो है ना मतदान करें।